हे गाइज, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आप सभी मित्रों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आप सभी को देने जा रहे हैं आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी चैनल के माध्यम से। 69,000 शिक्षक भर्ती। दोस्तों, थर्ड काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है दोस्तों समाप्त हो गई है। अब नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा? और दोस्तों, सभी जितने भी सुपर टेट पास विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं दोस्तों, सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, सभी को दोस्तों शिक्षक बनाया जाएगा। सरकार दोस्तों ऐसा करने जा रही है। आप सभी मित्रों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर है कि जो भी एसटेट पास अभ्यर्थी हैं सभी को शिक्षक बनाया जाएगा, सरकार ऐसा करने जा रही है। इस सभी खबरों के बारे में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, जो 22,000 का मुद्दा है वो भी दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग दोस्तों ये कर लिए तो आप लोग दोस्तों शिक्षक बन जाएंगे और जुलाई में ही दोस्तों आप लोग किसी ना किसी दोस्तों जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर दोस्तों एक अध्यापक के रूप में दोस्तों आप अपने कार्य को अंजाम देंगे। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए व्यूअर, नए मित्र, नए भाई बहन, नए श्रोता जुड़ रहे हैं तो आप लोग अपना चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आइकन में प्रेस कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को शिक्षक भर्ती से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आप सभी मित्रों के लिए रात भरी खबर क्या है? एसटेट पास सभी विद्यार्थियों को बनाया जाएगा शिक्षक, ऐसा सरकार करने जा रही है। जिले के नए मार साहब को है नियुक्ति पत्र का इंतजार। काउंसलिंग करा चुके नए शिक्षक शिक्षिकाओं को अब नियुक्ति पत्र का इंतजार है। फिलहाल नियुक्ति पत्र देने की कोई तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन 5 जुलाई के बाद संभावना जताई जा रही है कि जिले में 109 शिक्षक शिक्षिकाओं को प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर तैनाती को काउंसलिंग में शामिल होना था। 28-29 जून को BRC सदर में काउंसलिंग प्रक्रिया चली। 2 दिनों में 104 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। बताया गया कि 2 अभ्यर्थियों के पापत जो परपत्र हैं वह अन्य कमियों के चलते काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया। 3 अन्य अभ्यर्थी नहीं आए। शासन से नियुक्ति पत्र देने की तारीख आने के बाद स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चलेगी। फिलहाल अभी इसका कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र आ चुके हैं। संभावना, 28-29 जून को BRC सदर में काउंसलिंग हुई। 104 अभ्यर्थी दोस्तों उसमें शामिल हुए। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शिक्षक शिक्षिकाओं को प्राथमिक स्कूलों का आवंटन होगा। कोर्ट से कोई दोस्तों रोक नहीं लगाई गई है। तारीख आने पर वितरण किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव के आदेश पर नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। आगे की तारीख आने पर वितरण होगा। कोर्ट की रोक नहीं है दोस्तों, ऐसा BSA साहब ने कहा है कि किसी भी तरीके से कोर्ट के माध्यम से जो 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें दोस्तों नियुक्ति पत्र देने पर रोक नहीं लगी हुई है। अब दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि कब नियुक्ति पत्र दी जाएगी। जो हमारे 6,696 भाई बहन हैं, जो दोस्तों सूचना प्राप्त हो रही है आपके ऑफिशियल SCRT से दोस्तों कि जो नियुक्ति पत्र है वो आपके दोस्तों 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में दोस्तों देने की संभावना है, या कहें दोस्तों इसी के बीच में दोस्तों टाइम डिक्लेयर किया जाएगा और मुख्यमंत्री जी दोस्तों अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एसटेट के बारे में कि सरकार क्या करने जा रही है 22,000 सीटों को लेकर भी। एसटीटी पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति के पात्र होंगे। दोस्तों, ये जो मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों 22,000 सीट इसी के तहत दोस्तों आप लोगों के ऐड होने जा रहे हैं। जो सूचना आपके अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों दी जा रही है 100% ऑथेंटिक जानकारी दोस्तों उपलब्ध कराई जाती है चैनल के माध्यम से, क्योंकि जैसे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों एसटीटी पास सभी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा शिक्षक भर्ती का दोस्तों उनको न्योता भेजा जाएगा, उनको शिक्षक बनाया जाएगा दोस्तों। वैसे ही जितने भी आपके सुपर टेट पास हैं दोस्तों उनको भी ऐसा किया
जाने की संभावना दोस्तों व्यक्त की जा रही है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी शिक्षक अभ्यर्थी आगामी शिक्षक बहाली में पात्र होंगे। इसमें एसटीईटी 2011 और बिहार विद्यालय समिति द्वारा 21 जून को जारी एसटीईटी 2019 की दोनों प्रकार की सूची के अभ्यर्थी शामिल हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर निर्णय कर लिया है कि 2019 के एसटीईटी में जो भी क्वालिफाई किए हैं वे सभी सातवें शिक्षक नियोजन के लिए पात्र होंगे, चाहे वे बोर्ड द्वारा जारी सूची क्वालिफाइंग एंड मेरिट लिस्ट में हों या ना हो। दोस्तों ऐसा ही सेम आपके 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में भी है दोस्तों, यही सेम मैटर उसमें भी है, क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट लिस्ट के हों। मंत्री ने कहा कि इसको लेकर मेरिट लिस्ट में नहीं आने वाले विद्यार्थी परेशान ना हों। निर्णय लिया जा चुका है और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद शीघ्र ही विभाग की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग एनसीटीई का पूर्ण अनुसरण करता है। इसको लेकर पहले ही एसटीईटी में पात्र हो चुके अभ्यर्थियों की मान्यता भूतलछी प्रभाव से ताउम्र की जा चुकी है। इस परिपेक्ष में सातवें शिक्षक नियोजन में 2011 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले भी अगले चरण की बहाली में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही सराहनीय खबर है, बहुत ही जानदार खबर है, बहुत ही शानदार खबर है। दोस्तों जो अभ्यर्थी दोस्तों शामिल हुए हैं उनको भी शामिल, एसटीईटी जो पास हैं सभी को दोस्तों नियुक्ति पत्र दी जाएगी। जैसा दोस्तों आप लोग इस पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं और दोस्तों जैसा आप लोग देख रहे हैं लगभग 10 से 12 दिन से एससीईआरटी पर 22,000 सीटों को ऐड करने के लिए विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। दोस्तों अब मुद्दा यह है दोस्तों, एक प्रदेश एसटीईटी पास सभी को शिक्षक बनाने जा रही है और दूसरा आपके उत्तर प्रदेश में दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती है, उसमें क्या सरकार सुपर टेट पास सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देगी या नहीं। सबसे बड़ा सवाल, सबसे जेन्युइन सवाल, सबसे निर्णायक मुद्दा दोस्तों यही है। 22,000 सीटों को लेकर भी मुद्दा इसी के तहत दोस्तों आता है कि अगर 22,000 सीटें ऐड होती है तो समझिए एसटेट पास सभी को दोस्तों नियुक्ति पत्र मिल जाएगी, यानी सुपर टेट पास सभी को नियुक्ति पत्र दोस्तों मिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि 22,000 सीटें ऐड हो तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि 22,000 सीटों को ऐड करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे जानदार तरीका दोस्तों आपको बताया गया है कि यही फॉलो करके दोस्तों आपके 22,000 सीट ऐड हो सकते हैं। अगर दोस्तों इसको शेयर नहीं करते हैं, इसको फॉरवर्ड नहीं करते हैं दोस्तों, इसको वायरल नहीं करते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों आप ही का दोस्तों घाटा होने जा रहा है। अगर आप लोग वायरल करेंगे ये खबर दोस्तों, सरकार तक पहुंचेगी, मंत्री तक पहुंचेगी दोस्तों, अधिकारी तक पहुंचेगी, तो आपकी बातों को दोस्तों प्रमुखता के साथ सुना जाएगा और अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से 22,000 सीटों को ऐड करने के लिए समय समय पर दोस्तों मुद्दा उठाया जा रहा है, उठाए जाने की भी संभावना है दोस्तों। समय समय पर आप लोगों का जो मुद्दा वो ट्रेंड भी कराया जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि जो खबर प्रोवाइड कराई गई है इस वीडियो को दोस्तों आप लोग दनादन दोस्तों हर ग्रुप में, हर व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर हो चाहे जहाँ दोस्तों, उसको वायरल कीजिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। घर से जब भी बाहर निकलिए दोस्तों, आप लोग कोविड-19 का पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाइए।